सब्सक्राइब कीजिए एज इन्फॉर्मर को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वीडियो देख पाए सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूँ एज इन्फॉर्मर में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं रेगुलरली साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड भी वीडियो लाते रहता हूँ, तो फिर इस बार इस वीडियो में लाया हूँ एक नया मालवेयर के बारे में और उसका नाम है बैड रैबिट। जी हाँ दोस्तों, बैड रैबिट के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और साथ साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा एंड दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके। देखिए दोस्तों, बैड रैबिट एक नया मालवेयर फाउंड हुआ है और ये जो है मालवेयर मतलब अभी इंडिया में नहीं है, इस साइड नहीं है, यूरोप कंट्री में जो है इसका रसिया में है, इस समय बहुत ज़्यादा अटैक हुआ है और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे भी अटैक हुआ है। इसमें खासियत क्या है वो मैं पहले बता देता हूँ। पहले तो ये बता देता हूँ कि ये एक रैंसमवेयर है, ठीक है दोस्तों। अब रैंसमवेयर बहुत वीडियो बना चुका हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि रैंसमवेयर में पैसा मांगता है, पहली बात। दूसरी बात, साइबर सिक्योरिटी से सेफ्टी के बारे में बताते रहता हूँ, उस चीज़ को हमेशा फॉलो कीजिए, ये नहीं फॉलो करने के कारण ही इस टाइप का अटैक होता है। तो दोस्तों, बैड रैबिट का मतलब समझ में आ रहा है कि बैड रैबिट मतलब कुछ खतरनाक, तो एक तो मालवेयर है, रैंसमवेयर खतरनाक तो होता ही होता है, लेकिन ये इसका जो एक्टिविटी है, जो बिहेवियर है, दूसरे टाइप का है। ये क्या करेगा, पहले फाइल को इनक्रिप्ट कर देगा, इनक्रिप्ट करने के बाद जो है डिक्रिप्शन टूल्स वो प्रोवाइड कराएगी या जो की है वो जो आपको देगा, तो उसके बदले में अभी तक रैंसमवेयर में क्या होता था, पैसा मांगता था, लेकिन यहाँ पे भी पैसा मांगता है, पैसा ही, ऐसा नहीं है कि दूसरा कुछ मांगता है, पैसा मांगता है, लेकिन ये टाइम पीरियड मतलब कुछ इंटरवल के बाद जो है उसका रेट बढ़ा देता है। मतलब जैसे अपने लोग के यहाँ बोली लगता है ना, जैसे सुनते हुए कि नीलामी होता है तो बोली लगाया जाता है, हाँ ये लगाए इतना तो ये इतना होगा, इसमें ये नहीं है कि कंपटीटर है, यहाँ पर यह है कि टाइम पीरियड के अनुसार, जैसे आपको समय देगा एक घंटे का, अब एक घंटे में उसको आप पैसा देना पड़ेगा, पैसा कैसे देना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे जब लिंक देगा तो आपको जो है मतलब डार्क वेब का जो है उसका जैसे डॉट ओनियन करके होता है URL, वहाँ पे भेजेगा और टोर नेटवर्क के अनुसार भेजेगा ताकि उसको कोई ट्रैक ही ना कर पाए। आपको नहीं मालूम है तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, टोर नेटवर्क जो होता है, टोर ब्राउज़र का या टोर जो नेटवर्क बनता है उसमें जो है एक तरह से समझिए कि एनोनिमस रहता है, कि मतलब कोई पता नहीं चलता कि एक्चुअल जो है ये मतलब ये मैसेज या कोई भी चीज़ आ रहा है, डेटा आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, उसका नेटवर्क इतना ज़्यादा स्ट्रांग रहता है कि आप लोग पता नहीं लगा सकते, जनरली लोग नहीं पता लगाता, हाँ बहुत हाई लेवल पर जाता है तो कहीं पता लगने का चांस, वो भी 100% कन्फर्म नहीं होता है, ठीक है। तो उस नेटवर्क के थ्रू आपको पैसा देना पड़ेगा। अभी जो रिपोर्ट मुझे मिला था, जो न्यूज़ मुझे मिला, उसके अनुसार जो है ये तो पहली तो बात है कि बिटकॉइन में पैसा लेता है तो कोई पता ही नहीं चल पाता है। दूसरी बात है कि बिटकॉइन के अनुसार जो डॉलर में कन्वर्ट हुआ था तो अप्रॉक्स $300 के नियर अबाउट था, 200 से लेकर $300 के अप्रॉक्स लेता है, जितने जिस सिस्टम पर हुआ है तो एक सिस्टम का $300 रुपया को लेगा, तब जाकर के वो देगा की, और इसके बाद ही आप जो है अपने डाटा को रिकवर कर पाए नहीं कर पाए वो तो भगवान ही मालिक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात आती है कि आपको जो ये बिहेवियर कैसे होगा, जैसे एक घंटा का टाइमिंग दिया, इस पीरियड में वो लिंक क्लिक करके आप अगर नहीं पैसा पेमेंट करेंगे तो अगले एक घंटे के बाद जो इसका रेट बढ़ जाएगा, फिर मान लीजिए एक घंटे का एक्स्ट्रा फिर समय दिया, दो घंटे का समय दिया, जो भी टाइम पीरियड देगा इसके बाद इसका रेट बढ़ता जाएगा, और अगर फाइनली अगर लास्ट तक नहीं करेंगे तो आपको रिकवर भी नहीं होगा, और बाद में ये होगा कि अगर आपको मतलब आपका सेंसिटिव डाटा है, बहुत नेसेसरी है कि उसके बिना आपका कैरियर खराब हो सकता है, आपके कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि दोस्तों एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो रैंसमवेयर के अटैक होता है ना, तो ये टारगेट करके अटैक करता है कि हाँ किसको अटैक करना है, लेकिन कुछ लोग जो है जैसे कि जनरली लोग है नहीं जानते हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में, वो मिस्टेक कर देते हैं, वो उन पर खुद पे भी अटैक हो जाता है, तो जिनके पास मान लीजिए मूवी है या कोई ऐसा कंटेंट नहीं है तो मान लीजिए वो उसको फॉर्मेट कर देंगे या उसको फिर से रीइंस्टॉल कर देंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम नया डलवा लेंगे, लेकिन जिनके पास जो है सेंसिटिव मतलब इन्फॉर्मेशन है जिसके बिना उनको नुकसान हो सकता है, तो ऐसे कंडीशन में आपको पैसा देना पड़ सकता है। इसीलिए फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अपने आप को सेफ रखें, हमेशा से जो मैं सिक्योरिटी टिप्स बताते रहता हूँ उसको फॉलो करें, कभी भी ऐसे लिंक पे क्लिक ना करें, क्योंकि दोस्तों आज के ज़माने में मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पे जो है ग्रुप का लिंक शेयरिंग बहुत ज़्यादा चल रहा है,
जैसे कि सपोज डैट कि व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, टेलीग्राम ग्रुप हो गया, बहुत सारा ऐसा ग्रुप है जो लोग हायर कर रहे हैं, मतलब कि उसको लोग क्या करते हैं, हैकर लोग जो है इस टाइप का ग्रुप बनाते हैं और लोग को हायर करते हैं ग्रुप बना कर स्प्रीड करने का। उस ग्रुप में कोई PDF फाइल डाल दिए, कोई मान लीजिए कि सॉफ्टवेयर टाइप का जो उस टाइप का मतलब पेलोड बना करके कोई डॉक्यूमेंट डाल दिए, कोई भी डॉक्यूमेंट डाल दिए, तो डॉक्यूमेंट आपको क्लिक कीजिएगा और जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके यूजफुल नहीं है, लेकिन आपका एंड्रॉयड हो गया, या अगर एंड्रॉयड पर अटैक नहीं है, अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वहाँ पर हो गया, तो उस टाइप का रैनसमवेयर का अटैक हो सकता है। तो इस चीज़ से बचा कीजिए। और मैं हमेशा से सिक्योरिटी और सेफ्टी से रिलेटेड जो टिप्स बताते रहता हूँ उसको इग्नोर मत कीजिए। और दोस्तों आई होप ये वीडियो समझ में आ गया होगा और वीडियो बनाने का मेरा मकसद भी समझ में आ गया। अगर वीडियो पसंद आए नीचे लाइक बटन लाइक जरूर कर दीजिएगा। कोई सवाल है, सुझाव या वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट करना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको नॉलेज मिल सके। और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।